بسم الله الرحمن الرحيم शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह ताला के फजलो करम से आप सब लोग बखैरियत होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे अपना उर्दू का काम, हरूफ की मुख्तलिफ छोटी अशकाल को लिखना सीखेंगे। आज हम करेंगे हर्फ नून और उसकी मुख्तलिफ छोटी अशकाल को लिखेंगे। मेरे साथ लिखिए। सबसे पहले हम लिखेंगे हे वाओ। हे वाओ का मतलब है होमवर्क। होमवर्क के बाद हम लिखेंगे हरूफ की मुख्तलिफ छोटी अशकाल। अब हम लिखेंगे हर्फ नून, जो कि नीचे वाली तीन लाइनों में मुकम्मल शक्ल में लिखेंगे। मेरे साथ लिखिए नून। प्यारे बच्चों, नून पे लगाते हैं एक नुक्ता, नून की पहली छोटी शक्ल जो कि दरमियान वाली दो लाइनों में राउंड लिखी जाती है। नून की दूसरी छोटी शक्ल जो कि दरमियान वाली दो लाइनों में सीधी लिखी जाती है, इस पर लगाएंगे एक नुक्ता। फिर से लिखते हैं नून मुकम्मल शक्ल में नीचे वाली तीन लाइनों में, नून की पहली छोटी शक्ल और ये है नून की दूसरी छोटी शक्ल। फिर से लिखते हैं। प्यारे बच्चों, लिखते वक्त लाइनों का खास ख्याल रखिएगा। नून की पहली छोटी शक्ल और ये है नून की दूसरी छोटी शक्ल। फिर से लिखते हैं नून मुकम्मल शक्ल में, नून में लगाते हैं एक नुक्ता, नून की पहली छोटी शक्ल जो कि राउंड होती है और नून की दूसरी छोटी शक्ल जो कि सीधी होती है। प्यारे बच्चों, फिर से लिखते हैं नून की दोनों अशकाल एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। प्यारे बच्चों, आज का काम था हमारा नून और उसकी मुख्तलिफ छोटी अशकाल। हमने लिखी नून की पहली छोटी शक्ल और ये लिखी नून की दूसरी छोटी शक्ल। प्यारे बच्चों, नून की पहली छोटी शक्ल बनावट के लिहाज से गोल होती है और दूसरी छोटी शक्ल बनावट के लिहाज से सीधी लिखी जाती है। लिखते वक्त लाइनों का खास ख्याल रखिएगा और अपनी पेंसिल का लेड शार्प रखिएगा। अपना आज का उर्दू का काम अपनी उर्दू की नोटबुक्स पर करिए। अल्लाह हाफिज़।